तो हेलो भाइयों, मैं कृष्णा सैनी स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। तो भाई, आज थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। भाई, हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सेलिंग कार इन इंडिया 2023। भाई, जो 2023 में जो गाड़ियां सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं, हम आज उनके बारे में बात करने वाले हैं और हम आपको बताएंगे पूरा स्थिति, कौन सी गाड़ी कितनी कितनी यूनिट बिकी है, कितने नहीं। ठीक है भाइयों, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट ज़्यादा देर ना करते हुए। तो भाइयों, नंबर 10 पे आती है आपकी मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली डिज़ायर। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो 1,20,948 भाई इनने यूनिट बेच चुके हैं ये। और अगर इसके इंजन की बात करें तो 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इसमें इंजन मिल जाया करता था। भाई, बॉडी साइज ये सेडान है, 5 सीटर ये गाड़ी मिल जाती है 9 वेरियंट के साथ आपको। अगर इसके प्राइस की बात करें एक शोरूम तो 6,51,000 से स्टार्ट होकर 9,39,000 तक भाई आपको ये पड़ जाती है। नंबर 9 की बात करें तो भाई मारुति सुजुकी अरेना की तरफ से आने वाली ईगो है ये। ये भी काफ़ी चर्चाओं में रहती है भाई, गाड़ी टैक्सी में या कहीं पे भी कैसे भी यूज़ आप इस गाड़ी को कर सकते हो। अगर इसकी यूनिट की बात करूँ तो भाई 1,31,191 यूनिट कंपनी ने 2023 में इसकी बेच चुके हैं। और भाई, इसके अगर इंजन टाइप की बात करें तो 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है। अगर सीट कैपेसिटी की बात करें तो 5 से 7 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। वहीं अगर बॉडी साइज़ की बात करें तो भाई ये मिनी वैन है और 4 वेरिएंट्स के साथ आती है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो भाई एक्स शोरूम प्राइस इसके 5,27,000 से लेकर 6,53,000 तक भाई इसके प्राइस जाते हैं। और नंबर 8 पे आती है आपकी टाटा पंच, जो कि 1,33,819 यूनिट 2023 में बेच चुकी है। अगर इसके इंजन टाइप की बात करें तो 1199 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। 5 सीटर भाई ये गाड़ी है, 4 SUV इसको बोला जाता है। 26 वेरिएंट इसमें आते हैं। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो 6,00,000 से शुरू होकर 9,52,000 एक शोरूम इसके प्राइस चले जाते हैं। तो भाइयों, नंबर 7 पे आती है आपकी मारुति अरेना की तरफ से आने वाली ब्रेजा, जो कि 1,45,665 यूनिट सेल कर चुकी है 2023 में। अगर इसके इंजन टाइप की बात करें तो 1462 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। वहीं अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 सीटर आपको ये गाड़ी मिलती है। बॉडी साइज इसका SUV रहता है। और भाई, इसके अगर वेरियंट्स की बात करें तो 15 वेरियंट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करें इसके प्राइसेस की तो करीब 8,29,000 से एक शोरूम स्टार्ट होती है, उसके बाद 14,14,000 एक शोरूम इसके प्राइस जाते हैं। तो भाइयों, अगर नंबर 6 की बात करें तो आपकी 6 पर आती है होंडाई क्रेटा, जो कि 1,50,372 यूनिट 2023 में बेच चुकी है। अगर इसके इंजन टाइप की बात करें तो 1497 सीसी का और 1397 सीसी के 4 सिलेंडर आपको इसमें इंजन देखने के लिए मिल जाते हैं। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो वही 5 सीटर ये गाड़ी आपको देखने के लिए मिलती है। बॉडी साइज इसका SUV रहता है। अगर वेरिएंट्स की बात करें तो 18 वेरिएंट्स के साथ ये गाड़ी आती है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 10,87,000 एक शोरूम प्राइस से लेकर स्टार्ट होती है ये, 19.20 लाख तक जाती है। तो भाइयों, नंबर 5 पे आती है आपकी टाटा मोटर्स से आने वाली टाटा नेक्सॉन, जो कि 1,72,138 यूनिट सेल कर चुकी है। अगर इसके इंजन सीसी की बात करें तो 1497 सीसी लेकर 1397 सीसी के 4 सिलेंडर इसमें आपको इंजन देखने के लिए मिल जाता है। वही सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 सीटर ये गाड़ी है, SUV ये गाड़ी मिल जाती है। और भाई, विश्वास नहीं करोगे आप, 65 वेरियंट्स के साथ ये गाड़ी आती है। अगर इसकी भाई एक शोरूम शुरुआती प्राइस की बात करें तो 7,80,000 से लेकर 14,50,000 तक ये गाड़ी जाती है। तो भाई, अब कर लेते हैं नंबर 4 की बात। तो नंबर 4 पे आपकी स्विफ्ट आती है। स्विफ्ट ने भाई 1,76,902 यूनिट सेल कर चुकी है 2023 में। अगर इसके इंजन सीसी की बात करें तो भाई 1197 सीसी का 4 सिलेंडर आपको इसमें इंजन देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें सीटिंग कैपेसिटी की तो 5 सीटर ये गाड़ी आती है। और बॉडी साइज़ की बात करें तो हैचबैक ये गाड़ी आती है भाई, 11 वेरिएंट्स में ये गाड़ी आती है। अगर इसके कीमत की बात करें तो 5,99,000 से लेकर 9,03,000 तक ये गाड़ी एक शोरूम प्राइस पर पहुँच जाती है। अगर भाई बात करें नंबर 3 की तो नंबर 3 पर आती है आपकी भाई अल्टो। अल्टो ने 1,79,698 यूनिट सेल कर चुकी है भाई 2023 में।
अगर इसके इंजन सीसी की बात करें तो 998 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आता है, 5 सीटर ये गाड़ी आती है, हैचबैक बॉडी साइज है इसका, और भाई 7 वेरिएंट इसमें आते हैं। और चूँकि इसके जो एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 3,99,000 से लेकर 5,96,000 तक ये गाड़ी पहुँच जाती है। अगर भाई नंबर दो की बात करें तो नंबर दो पर आती है आपकी बलिनो। भाई बलिनो ने 2,02,901 यूनिट सेल कर चुकी है 2023 में, जो कि 1197 सीसी के 4 सिलेंडर के साथ ये गाड़ी आती है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 सीटर ये गाड़ी है, और बॉडी साइज की बात करें तो हैचबैक ये गाड़ी आपको 5 वेरिएंट्स के साथ देखने के लिए मिल जाती है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 6,61,000 से लेकर 9,98,000 तक एक शोरूम इसके प्राइस जाते हैं। तो भाई नंबर एक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, जिसने लाइक नहीं किया तो भाई एक बार एक लाइक भी कर देना, और वीडियो को जितना हो सके भाई शेयर करो, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई नंबर एक पर आती है आपकी वैगनार, जो कि भाई सदाबहार गाड़ी है। 998 सीसी का इंजन एक आता है इसमें, एक 1197 सीसी का 4 सिलेंडर भी भाई 2 इंजन ऑप्शन के साथ ये गाड़ी आती है, 5 सीटर ये गाड़ी है। भाई बॉडी साइज की बात करें तो हैचबैक ये गाड़ी आपको 11 वेरिएंट्स के साथ देखने के लिए मिल जाती है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 5,54,000 से लेकर 7,42,000 तक की भाई ये एक शोरूम आपको पड़ जाती है। भाई यही थी कुछ वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।